अस्सलामुअलैकुम हर साहब, क्या हाल है? क्या पढ़ रहे हो आज? तस्बीह किस चीज़ की कर रहे हो? मेरी शादी पे आए थे आप? आए थे आप भी? आए थे मेरी शादी हुई थी ना, पैसे क्या किया था? पैसे उठा रहे थे। नहीं तो यार इसको निकाल के यहाँ रखो। सॉफ्ट सॉफ्ट लग रही है आज, है ना? बेकिंग ओवन कहते हैं माइक्रोवेव, बेकिंग ओवन के अंदर चली जा रही है भाई। ओके इसको कितने मिनट। अस्सलामुअलैकुम जी, फाइनली वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। तो यार आपका भाई सारी टाइम उठ गया, बल्कि उठना गया, मैं सोया नहीं था आज। मैं उस टाइम से भाई जाग रहा हूँ। मैंने सोचा कि भाई व्लॉग श्लॉग बनाए। एक दिन मिस हो गया मेरा, व्लॉग नहीं बन सका क्योंकि बस कुछ ज़रूरी काम थे और कुछ मज़ेदार कुछ था नहीं कि भाई जिसका व्लॉग श्लॉग बनाए। तो अभी आपको भाई इस टाइम उठा हुआ सैरी का टाइम, और 3 बजे का टाइम है, और आप लोग चेक करो, मतलब कि भाई सिर्फ सुकून ही सुकून है, सारी दुनिया सो रही है, सिर्फ आपका भाई अकेला जाग रहा है। रोज का देखो भाई, डेली का एक सीना, मतलब सारी आवाम सो रही है, मतलब किसी को कोई टेंशन फिक्र नहीं है कि भाई उठना है, सहरी बनानी है। 10वां रोज़ा है, 9वां रोज़ा है, 11वां रोज़ा है, मतलब रोज़े ऊपर जा रहे हैं, सहरी का टाइम नीचे आ रहा है, मतलब कि जल्दी रोज़ा बंद होगा, लेट रोज़ा खुलेगा। लेकिन आवाम को क्या है भाई, सारे बिल्कुल सुकून से सो रहे हैं, कोई बंदा नहीं उठा। और भाई वो गार्ड, उसने परेशान हो जाना, वो देखो वो कैबिन के अंदर बैठा हो। गार्ड ने कहना भाई इस बंदे को पता नहीं क्या मसला, सारी वाम सो रही होती है, सुबह सुबह कैमरा लेके निकल आता है। तो अभी आपका भाई इस टाइम टेरेस पे है, तो अभी चलते हैं अंदर, देखते हैं एहसन उठा हुआ है, हमजा, साइम, जो भी रूटीन है। और भाई सारे टाइम हर बंदे का मूड शूड बड़ा ख़राब होता है, बना होता है, तो समझ नहीं आती कौन क्या है। तो यार भैया आपका आ गया अंदर, और भी ऊपर के मतलब आप लोग सीन चेक करो, मतलब टोटल हर चीज़ बंद है इस टाइम, बिजली की भाई फुल बचत शचत तो कर रहे हैं। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह, ऊपर सारा बंद है सिस्टम, सारा सारा कुछ बंद है। तो भाई ये सीन है इस रूम के। तो अभी हमजा मेरे ख्याल से चला गया नीचे, वो सोते ही नहीं है, वो जागती रहता है, उसको और कोई काम नहीं है। तो यासिन सोया हुआ है भाई, रोज़ा रखना है तूने, सुबह स्कूल जाना है? हैं नहीं जाना? नहीं तो स्कूल नहीं जाना, फिर रोज़ा रख ले, जुम्मे क्या वैसे मौसम है ठंडा बारिश वाला, तो उठ रोज़ा खोल। और सॉरी रोज़ा, मेरा भी दिमाग घूमा पड़ा, रोज़ा खोलना नहीं रोज़ा रखना। कैमरा बंद कर दे। भाई आप लोग सोते ही नहीं हो, क्या करते हो आज? तो नींद में लग रहे हैं। खैर मैं कायदे रखता हूँ रोज़ा। क्या जा नीचे, मामा इंतजार कर रही है, उठ चल दफाओ। तो साइम किधर है? एक बंदा मिस है, साइम किधर सोया हुआ? चलो तू तो जाना नीचे, पहले मिनट मार उठ जा, तेरी नींद नहीं पूरी हो रही, जा नीचे जा। नहीं रोज़ा रखना, तू तो सोया हुआ सुकून से, सोया था कि जाग रहा था? मुँह दिखा अपना, लाइटें तो बंद कर दे। तूने हैंड फ्री लगाई, इसका मतलब तू भी जाग रहा था। वैसे आप लोगों को यार नींद नहीं आती, मतलब ऊपर आप लोग इसलिए रहते हो, मतलब जाग ही जाना है, और कोई काम नहीं करने की जरूरत है? नहीं जागने के अलावा नहीं सोना होता। तो तू अलग क्यों सोया? वो सारे उधर वहां सोई है, मेरा पूरा कमरा है, मैं यहां सो नहीं सकता। तू भी उधर सो, इकट्ठा हो, तेरा गद्दा तो डला हुआ नीचे, मैट्रेस तेरा। अरे सुबह सुबह लड़की हो जाती बाजू में ना, इस तरह ना रेड रेड हो जाते हैं बाजू, पता नहीं क्या मसला। नहीं मतलब सुबह सुबह देखो यहाँ से स्किन मेरी ना, ये सच्ची मजाक नहीं, यहाँ से रेड हो गई थी, ये भी रेड हुई पड़ी है, यहाँ से बाजू भी रेड है। टूट जा नहीं दफा और कर फिर यार, वो सैंडविच बचे थे सारी टाइम खा लिए थे कि पड़े हुए हैं? पड़े हुए हैं वो, मैंने भी यार सैंडविच खाना है। तो चल नीचे मिनट मार मिनट उठ। अरे वैसे पता है क्या सीन है, जब शादी नहीं हुई थी तो हम सारे भाई ना इस रूम में सोते थे, मतलब ये हमारा कमरा था, हम इधर सोते थे, मामू बाबा सामने रूम में थे और हम इधर थे। और यहाँ पे ना ये जो सीनरी आप लोग देख रहे हैं ना, ये वाली हॉर्स वाली, ये मेरी मतलब मोस्ट फेवरेट थी, मतलब मेरे व्लॉग आप लोग अक्सर देखते होंगे ना, तो मैं व्लॉग यहाँ से स्टार्ट करता था अपनी सीनरी के पास से। या मेरा ये जो सीन था ना, ये वाली बैक वॉल मुझे बड़ी पसंद थी। तो मतलब वो एक मेमोरी होती है, मतलब शादी होती है लाइफ टोटल आपकी चेंज हो जाती है। मतलब अब देखो ये बेचारा इधर सोया हुआ, दो उधर सोए हुए हैं, मतलब कि सारा सिस्टम ना अलग अलग हुआ हुआ है। तो मैं काफी दिनों बाद ऊपर आया हूँ, वैसे ना तो पता रूटीन बनती नहीं है मेरा भाई, सुबह उठना है, शॉप पर जाना है, अच्छा शॉप पर आके वापस क्या आना है, आते साथ खाना वगैरह खाया, जिम चले गए, अच्छा
जिम से आके फिर इधर उधर घूमते रहे, अपने कमरे में बैठ कर टीवी देख लिया। लेकिन ये भाई शादी से पहले वाला रूम है, जिसको आप लोग बैचलर रूम्स कह सकते हैं। तो वैसे ना अचानक ही मतलब माइंड में ना सारी वो मेमोरीज वापस आई हैं एक दफ़ा घूमते घूमते। और ये इनके हालात चेक करो, ये नीचे सोता साइम और वो बच्चे ऊपर सोते हैं। लेकिन वो साइम सब उधर बैठ कर स्पून से अपना शुगर मिला कर रहा था। तो चलते हैं नीचे किचन में, आपको दिखाता हूँ जो सैंडविच बचे थे ना आपके भाई ने वो खाने थे। और भाई अगर आपको व्लॉग अच्छा लग रहा है चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट्स में आप लोगों ने ज़रूर करना है भाई। सब्सक्राइब किया करो, सब्सक्राइब के बटन को तोड़ दो, ख़राब कर दो, उसके ऊपर बैठ जाओ, उसको मुक्के मारो, उसको टांगे मारो, जो मर्जी करो, लेकिन सब्सक्राइब का बटन दबाओ। सब्सक्राइबर 1000 कंप्लीट करवा दो भाई रमज़ान के अंदर अंदर। तो चलते हैं भाई नीचे। तो भाई हम लोग आ गए हैं नीचे सुकून से भाई अपने। ये देखो भाई इधर बैठा सुकून समझा, इधर बैठा वैसे। ओए होश कर, रोज़ा रखना तुझे, हमें इसको रोज़ा रखना है, स्कूल जाना तो वैसे वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। चलो स्कूल जाना फिर, अभी तेरी एज नहीं है, तू रेस्ट कर, सारी उम्र रोज़े रखने। ये किन्नू के काटे हुए हैं सारी टाइम, मैं मिस कर रहा था किन्नू। मामा ये कमरे में पड़ा हुआ था आज, पूछ से ये देख रहे यार क्या, मैंने भी खाना है इनमें से। तो ये अलग था और साइम अलग थे। ये असल की यार आप लोग शक्ल देखो, मुंह दिखा अपना ऊपर करी, मुंह मुंह ऊपर कर रहे, मुझे दिखा ऐसन भाई। इस टाइम फुल हैवी किस्म की नींद के अंदर है। तो ये किस चीज़ का सदमा लगा हुआ गाइस, मैं सो क्यों उठा यार। ये सैंडविच इसके हम बात कर रहा था, मतलब सारे टाइम एक खाया था, बाकी ये साइम ने तो भाई सारे खा को जाने हैं, तो हम भी खाते हैं आज सारे टाइम। मज़ेदार एंड फ्रेश का ज़्यादा मज़ा आता। क्या देख रहे हैं, फ्रेश ही है। और सुबह सुबह आप लोग मुँह कैसे गए? सुबह सुबह नहीं, रात है भाई, 4 बज गए। मतलब एहसान कर रहे हैं रात के, उसको देख लो। Few moments later नहीं भाई, अपनी जो इंसानों वाली शहरी है वो आ गई है शहरी में। क्या है ये पराठा पड़ा हुआ है, सालन है जो रात वाला होता है, और ये चाय पड़ी है, मतलब चाय, ये पराठा सालन, तो ये अपनी शहरी है भैया। आज ये पेट भर के खाएं, तो रोज़ा नहीं रखना, मामा ने मना किया। मामा ने कहा इसमें रोज़ा पे नहीं रखना, मामा ने कहा इसमें रोज़ा पे नहीं रखना। फाइनली भाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, आपके भाई ने सैरी कर लिया, रोजा रख लिया, और रोजा बंदों ने वैसे 5-1 मिनट तो पड़े हैं। तो भाई अभी हो गया बस जाग जाग के ना, अभी आपके भाई लगे सोने। तो मिलते हैं आपको इंशाल्लाह सुबह सुबह, वैसे भी जुम्मे भाई, जुम्मे की तैयारी शारी करेंगे, तो आपको मिलता हूँ सुबह, हाफिज़। नेक्स्ट डे तो भाई फाइनली सुबह हो गई, आपका भी उठा, फ्रेश वगैरह हो गए हैं, फुल रेडी शेडी हो गए हैं, अभी जा रहे हैं जुमा पढ़ने। जुमा पढ़ने में सिर्फ सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं, तो फटाफट भाई जुमा पढ़ते हैं, फिर आपको मिलता हूँ भाई। जान माल अपना उठा लिया, क्योंकि पता है क्या होगा, अगर जगह ना मिली तो अपना जान माल देख लेंगे। तो भाई ये सीन है सुबह सुबह के, तो भाई फटाफट चलते हैं मस्जिद, फिर आपको मिलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो छोटा भाई, किधर है? अस्सलामु अलैकुम हर साहब, क्या हाल है, क्या पढ़ रहे हो आज? तस्बीह किस चीज़ की कर रहे हो? मेरी शादी पे आए थे आप? आए थे आप भी? आए थे एक और भाई है ना आपका छोटा, वो नहीं आता मस्जिद में? क्या कह रहे हो, मेरी शादी हुई थी ना, पैसे क्या किया था, पैसे उठा रहे थे? नहीं तो यार, हाँ वो तो वैसे ही। Few moments later.
अल्हम्दुलिल्लाह भाई, रमज़ान का दूसरा जुमा हम लोगों ने पढ़ लिया। आज आपका भाई सुकून से मस्जिद में बैठा हुआ था, कोई जल्दी नहीं की, आराम आराम से आए हैं। तो भाई अभी रोज़ा लगे हैवी किस्म का, उससे पहले पहले हम चलते हैं अपने घर, क्योंकि धूप की भाई शिद्दत जो है ना बढ़ गई पहले से बहुत ज़्यादा होगी। तो मिलते हैं आपको भाई घर जाके। Few moments later. भाई जी जुमा शुमा पढ़ के आपका भाई आ गया, तो घर आके बस थोड़ी देर क्या है टीवी शीवी देखा है, सोए भी कोई प्रॉपर तरीके से जिस तरह सोना चाहिए। तो यार मुझे चाहिए प्लास्टिक की बोतल्स, मतलब जो खाली होती है ना पानी वाली बोतल, छोटे साइज़ की या बड़े साइज़ की। तो अभी मैं जा रहा हूँ बाहर कहीं, ज़रा हंटिंग करते हैं, जाके देखते हैं भाई हमें कहाँ से मिलेंगी, क्योंकि मेरे माइंड में कुछ चल रहा है भाई, तो आपको प्लान मैं बताऊँगा रास्ते के अंदर। तो अभी हमजा और मैं जा रहे हैं बोतल्स ढूंढ रहे हैं, अगर हमें मिलती हैं तो लेकर आएंगे, नहीं तो पूछ के आएंगे भाई मिलती कहाँ से। भाई गेट शेट खोला है हमें मिले तोहफे, दो किस्म के देखो तोहफे आ गए, लेकिन भाई बड़ा सही हो गया मतलब के ना। कितना बिल आया? सही है, मतलब जितना हर बार बार आता ना उससे कम। भाई अभी हम जा रहे हैं झाल पे, यार यार बोतलें नहीं, बोतलें प्लास्टिक तो रोजा रख दिमाग काम करना, अभी बाइक मार के लेके जाना दिक्कत हो जाएगा। हमने लेनी प्लास्टिक की बोतल, तो हमें झाल से नहीं मिली क्योंकि हम आए हैं शहर, तो भाई शहर के सीन चेक करो। इधर आए हैं शहर पिंड घुमरी बाजार में, लेकिन आज जुम्मे है तो हर शॉप बंद है, मतलब कोई दुकान खुली नहीं मिली है। आप लोग सारे चेक करो सीन, टोटल बाजार भी बंद है। हमें चाहिए थी पानी वाली बोतल प्लास्टिक की जो होती हैं, तो भाई अभी हमजा का भेजा हुआ है, अगर यहाँ से मिली तो लेंगे, नहीं तो भाई इंशाल्लाह कल मैं आऊँगा दोबारा से और यहाँ से बोतल से लेके जाऊँगा। इसके यार पैंट दे दो हमें चार, ये सही है मेरी, ये सही है यार। यहाँ से जूस वगैरह लिया, मतलब भाई जो है इतनी दूर, तो खाली हाथ जाने का फ़ायदा दो ये हो गए, तो ये लेते हैं। और भाई टाइम के बाद 5:10 हो गया भाई, और यहाँ से चलते हैं वापस अपने घर, ये लेके एक और ले लें। भाई जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, लेने कुछ और गए थे, लेके कुछ और आए हैं, मतलब होता है ऐसे ही है, जब मैंने जाना ना चीज़ लेने, अगर मुझे वो नहीं मिली मैंने कि और ले आनी, मतलब लानी ज़रूर है, लानी ज़रूर है। तो अभी भाई कल सोचेंगे इफ्तारी के बॉक्सेस बनाएंगे इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने मदी तो बॉक्स बनाएंगे बड़े प्यारे प्यारे, और ना बांटने वाला सिलसिला शुरू करेंगे। और यार आपको पता है जो अपना घास है, आज पानी नहीं दिया किसी ने, भाई पानी भी दे रहे हैं, टाइम नहीं हुआ का, कब देना पानी, पानी देना है अंदर जाओ और इसकी मोटर का स्विच नीचे करके भाग के जाओ। आपके भाई ने पक्का इरादा बनाया कि जो लोन है अपना, ये घास को इंशाल्लाह फिट करना ही करना है। अभी मैं गया हुआ था शहर ही में गया था, आप लोगों ने व्लॉग में देखा है, लेकिन मसला ये था मैं बाइक पे गया था, गाड़ी मेरे पास अभी थी नहीं छोटी, वो बिजी थी, वरना मैंने घास लेके आना था वहाँ से। आज गया मैं घास लेने भी था लेकिन वो मिला नहीं है, तो कर देना और चला दे वहाँ से। बिस्मिल्लाह, छोड़ दे पानी खुद ही आ जाएगा एक मिनट बाद, पानी ना वो चेक कराया, पाइप पर उठा के देख, पाइप उठा के चेक कर पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ गया बस पानी छोड़ दे खुद ही लगता रहेगा घास को। अच्छा यार जुम्मे का पता है क्या है, मतलब आम दिनों की निस्बत जुम्मा थोड़ा ज़्यादा बोरिंग होता है, मतलब करने को कुछ नहीं होता, सारा दिन आप घर होते हो, वेले होते हो, कोई काम काज नहीं है, सुकून माहौल होता है। क्यों नहीं घास आ रही, क्योंकि हम वहाँ पानी देते हैं, यहाँ देते नहीं है, उधर पानी खुद ही लग जाता है। अच्छा, तो पानी वहाँ से चलता है ना, जो पानी वहाँ ऐसी चीज़ है जो अपनी जगह खुद बनाता है, रास्ता पानी है ना, लोहे है, लकड़ी है, दीवारें हैं, ईंटें हैं, जो भी चीज़ है पानी में, अब रास्ता बनाना है उसने हर चीज़ से गुजर जाना है, तो पानी सही लग रहा है। भाई आज ये वाले भाई लेट हो गए, तो ये वाले भाई दे रहे हैं, देखो भाइयों का फायदा देख रहे हो ना। तो भाई अब यहाँ भी आता आना शुरू हो गई है घास, क्योंकि हम अब बंद पाबंदी में पानी देने लग पड़े हैं रोज़ों के अंदर, क्योंकि वो और काम ही होता है इस टाइम, तो हम फिर पानी दे लेते हैं। पानी खाने लगा लिया अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, तो अपना डाइनिंग टेबल है। हम आज क्या है खाने में, आज क्या बनाया है, ये क्या है, ये चिकन ब्रेड है, चिकन कितना डाला है इसमें आज, ज़्यादा क्रंची हो ना। तो यार आज अपने पास बन रही है चिकन ब्रेड है, ये क्या है इसके अंदर, ये जुएं डाल दिया आप लोगों ने,
ये किसने पीना, अपने घर कोई नहीं खाता पीता ऐसे चीजें। क्या है साशिल स्टिक्स वाला चिकन? क्या साशिल स्टिक्स चिकन? साशिल स्टिक चिकन होगी। एक नई चीज लग रही है आज, मैं शिमला मिर्च डालनी इसके अंदर। शिमला मिर्च प्याज इधर, अपनी ब्रेड शर्ट होगी इधर, वो बन रहा है भैया। आज इफ्तारी के अंदर आपको मजे की चीजें मिलेंगी। सालन बनाया, रोटी सालन गाय और भी है, गाय की वो चना चाट भी बड़ी है। आप सालन कौन सा? थोड़ी है, थोड़ी है मटन का। यार ये चीज़ मज़े की लग रही है भले। तो यार ये जो अपनी है ना प्री हीट हो गया है, तो अभी ये जो ब्रेड है ये जा रही है बेकिंग ओवन कहते हैं माइक्रोवेव, बेकिंग ओवन के अंदर चली जा रही है भाई। ओके इसको कितने मिनट लगाया? 20 मिनट लगातार रहेगी तो सड़ जानी इतनी देर में। तो भाई आपको मिलते हैं 20 मिनट बाद जब हम इसको बाहर निकालेंगे। चलो निकालो ध्यान से, चलो चलो निकालो। 1 2 3 भाई ओए होए 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 होए, लेवल हो गया भाई लेवल। यार ये वो ब्रेड है जो आप लोग आइडियल स्वीट से बेकरी से लाते हैं। और ये चेक करो भाई, शादी करने का फायदा क्या है कि भाभी ने बनाई घर, मतलब बाहर से लानी नहीं पड़ती भाई। जो चीज़ दिल करता है हम घर बनाते हैं, ऑर्गेनिक खाते हैं। आप लोग बाजार से लेके आते हो ना यार, लेकिन देखो हम लोग घर बना के खाते हैं। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। यार ये चेक करो, ये अपनी हो गई है चिकन ब्रेड रेडी हो गई है, और वो अपनी बोटियाँ छोटियाँ ब्रेड। बड़ा मज़ा आया, मतलब सैंडविच ब्रेड भी बन गई है और अब खाने को इंतज़ार है। बस वो टाइम सिर्फ तकरीबन 4-5 मिनट हार्डली रह गए हैं। रोज़ा खुलता है और भाई खाते हैं, फिर टेस्ट बताते हैं आपको कैसा था। रोज़ा खुलने वाला, लड़ रहे हैं आपस में, देखो। पसंद ही नहीं आ रहा समोसा कोई गाय। यार अच्छा एक बात है, कैमरा खोलो, साथ सारे तमीज़ में हो जाते हैं। गजब बेइज्जती है। इमली की चटनी डाल लो जी वाले। हां ये मिक्स करना। रोजा खुल गया यार, वो कारी कमर साहब जो है ना उस मस्जिद वाले, उनकी लान प्रोग्राम हुआ है। लोग मैंने लगा सुन, तो अभी हम उनको लेकर प्रोग्राम करा इसकी करता। खोल लो ये चिकन सुशली बोटी जो है ना। फिर जा रोजा खोल। दूसरा डा मजा आए मुआरी थोड़े स्तर नीचे से घुमा। आप Give me ketchup, please. मज़े का। मज़े दार। बिस्मिल्लाह। मज़े दार। ओ भाई ये था अपना आज का व्लॉग, इसी व्लॉग को हम यहाँ पर करते हैं एंड। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट में आप लोगों ने जरूर करना है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए भाई को दें इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।